बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनवाते हैं आपको। देखिए, जातिवाद का जहर और तुष्टीकरण के नीति पर यह सरकार चलती है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत, प्रखंड, जिला और सचिवालय में जो भ्रष्टाचार है, साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, तुष्टीकरण की नीति पर सरकार जो चल रही है, एक सकारात्मक और सजग विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निर्वाहन करेगी। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हमास पर क्या राय है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर। देखिए, ये फर्जी है और ये उल्टा पड़ने वाला है। अंतिम पासा फेंके थे लालू जी और तेजस्वी जी, जमीन पर इसका कोई असर नहीं है और बुरी तरह ये चारों खाने चित होंगे इस मुद्दे पर। केंद्र सरकार विचार विमर्श करके इस देश के 140 करोड़ के लिए जो अच्छा होगा। भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जातीय गणना सहित कई मुद्दों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। माना कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना अक्षर ज्ञान तो अवश्य होगा कि भूरा बाल साफ करो का मतलब समझते होंगे। तो जाकर अपने पिता से कहिए इस नारे के लिए और इसके फलस्वरूप उनके जंगल राज में हुए नरसंहारों के लिए सार्वजनिक क्षमा याचना करें। EWS आरक्षण के लिए आप भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। और जिस प्रकार जातीय सर्वे की रिपोर्ट में केवल MY को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, बाकी जातियों को घटाकर दिखाया गया, उसके लिए भी माफी मांगिए और पुनः पारदर्शी तरीके से गणना कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। रही बात भूमिहारों के हिस्सेदारी की, तो भूमिहारों को हिस्सेदारी आपने कितनी दी है ये आपके मंत्रिमंडल में साफ झलकता है। फिलहाल तो दलितों और अति पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी दे दीजिए। जिन श्री बाबू के जयंती समारोह में आप बोल रहे थे, उनसे कुछ सीखिए। सामाजिक न्याय और समरसता के पुरोधा थे, जिनके कार्यकाल में जमींदारी उन्मूलन और मंदिर में दलितों के प्रवेश जैसे महान कार्य हुए थे, लेकिन जातीय वैमनस्य और नरसंहार कराने वालों के मुंह से A to Z की बातें अच्छी नहीं लगती। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बता दें कि राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बोलने तक नहीं आता है, कैसे वह गृह मंत्री बन गए, भगवान ही जाने। आगे उन्होंने कहा कि छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दें। राज उनका है, उनको केंद्र से जातीय जनगणना कराना चाहिए। इस देश में जिस जाति की जितनी संख्या बतावे वही केंद्र में है ना सरकार। 10 सालों से कर रहे हैं राज, तो केवल हिंदू मुसलमान कर देश को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी RSS के एजेंडा पर चलना चाहती है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के जिंदा रहते हुए, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रहते हुए, महागठबंधन के नेताओं के रहते, यहाँ कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। राज उनका है, उनको केंद्र से जातीय जनगणना कराना चाहिए। इस देश में जिस जाति की जितनी इस्तीफा मांगे जाने के जवाब पर अब तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि किस बात का इस्तीफा दे भाई, बीजेपी को मेरा काम पच नहीं रहा है, इसलिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। आगे उन्होंने अमित शाह को लेकर कहा कि उनको बोलना तक नहीं आता है। और झारखंड साथ बोले पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया, अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया, क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था, 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है, तो उतना आप देख लीजिए उतना ही संख्या। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है, तो वो तो सबके सामने है, तो ये सब बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमानित, हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है ये ना बताइए, बढ़ाया या घटाया किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे बोल रहे हैं सब।
और बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। बीजेपी विधायकों ने सरकार की नीतियों का जमकर प्रदर्शन किया। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के साथ ही साथ बिहार में अराजकता के माहौल के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। हंगामे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले सरकार जातीय जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक करे, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। बिहार की सरकार से सदन में मांग किया कि आप कल जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब उपस्थित करेंगे तो कल इसको पूरा डिबेट कराने का काम किया। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको पूरी तरह बताने का काम किया। और हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराए जाए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। दोनों ओर से जवाब और सवालों का दौर दिखा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन धर्म और आतंक के ऊपर खूब हंगामा हुआ। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने साफ कहा कि किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच भारत अपने रुख को स्पष्ट करे, क्योंकि विदेश मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी के जो बयान है वह दोनों अलग अलग हैं। मैं अपनी निजी राय में तो हमेशा यह मानता ही रहा हूँ कि तमाम धर्म मेरे लिए सम्माननीय हैं और किसी धर्म के उस धर्म के व्यक्ति को ही उस पर बोलने का अधिकार है या नहीं अधिकार है, मुझे ये अधिकार प्राप्त नहीं, इसलिए उस विषय पे मैं नहीं बोलूँगा। मेरी मान्यताओं सबके लिए बहुत ही इज्जत की है और बहुत ही इज्जत की निगाह से मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति बोला इससे प्रश्न उससे कीजिए, क्योंकि धर्म। राजद विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार अपने बयान के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचौलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचौलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? डायरेक्ट अपना जिनको पूजा करना होगा वो करेंगे, तो ये बिचौलिए को केवल तकलीफ हुआ है और किसी को नहीं तकलीफ। आप मां दुर्गा को गलती मानते हैं? मैं कहता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देख।